सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को जो है बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने फिर से नज़रअंदाज कर दिया है एक और सीरीज़ में। तो दोस्तों क्या है पूरा माजरा ये वीडियो में सारी बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियो के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो है हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं जडेजा और अश्विन की। तो दोस्तों जो अश्विन है उसको जो है बीसीसीआई ने लगातार 3 सीरीज से ड्रॉप किया है, पहले श्रीलंका दौरे से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे से, अब जो है न्यूजीलैंड के दौरे से अश्विन को जो है ड्रॉप किया गया है, मतलब कि उनको टीम में जगह नहीं मिली है। जहाँ बात करें जडेजा की, तो जडेजा की ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी, मतलब ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में वापसी हुई थी अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के रूप में, लेकिन उनको जो है मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। देखिए दोस्तों अभी जो अश्विन और जडेजा की प्लेस है भारतीय टीम में, उनकी जगह जो है युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ये दो यंगस्टर ने लेके रख चुकी है। अभी फिलहाल कुलदीप और चहल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और भारतीय टीम उनके परफॉर्मेंस से मैचेस जीत रही है। तो उसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम में जो अश्विन और जडेजा की वापसी है वो थोड़ी मुश्किल हो गई है। दोस्तों एक टाइम पे जो जडेजा और अश्विन है वो भारतीय टीम के ट्रुप के इक्के थे, मतलब उनके मैच विनर थे चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट हो, लेकिन अभी जो है समय बदल गया है और उनको जो है बीसीसीआई ने टीम में भी शामिल नहीं किया है, जहां पर उनकी जगह युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने भारतीय टीम में ले ली है। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के बाद से और अश्विन को जो है भारतीय वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, 2017 चैंपियन ट्रॉफी के बाद से ही अश्विन और जडेजा को जो है टीम से ड्रॉप किया गया है। जब तक कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल भारत के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं तो तब तक जो है भारतीय टीम में वापसी मुश्किल है जडेजा और अश्विन की। जहां पर कुलदीप और चहल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होगा तो वैसे ही जो है जडेजा और अश्विन को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी जोड़ी अच्छी है, या फिर वो कुलदीप हो या चहल की या फिर जडेजा और अश्विन की, अपने विचार बताइए नीचे हमें कमेंट करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।